नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट का दो से पाँच नंबर तक पेपर में रुक जाता है पास होने से, तो ये आपको सीरीज बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आपको तैयार करनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, जो कि आपका पेपर सेकेंड है। सामाजिक विज्ञान में हम शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे क्वेश्चन हम आपको बताना और समझाना शुरू करेंगे, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलिएगा, ताकि क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप बिल्कुल सही सही करके आए। ठीक है, और इसमें यानी कि ये पूरा पेपर ही है, यानी कि इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, जियोग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके पॉलिटिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपके एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो पैडागॉजी वाला जो 20 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका साथ में इंक्लूड रहेगा, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी के दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक्सेलेंट एग्जाम सर्च कर लेना है, या फिर दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास पीडीएफ जो भी है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाए। ठीक है, और क्लास का जो टाइम है वो टाइम आपका कितना बजे रहेगा, शाम को 7 बजे रोजाना क्लास चलता है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको पेपर में आएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो इसमें बहुत अब इसमें क्वेश्चन जो मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, और इसी के बीच से ही क्वेश्चन आपको बनेगा। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, एसएसटी की वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि आपको प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ आपको लगाना ही लगाना है, तो साथ में PYQ लेकर के चल रहे हैं 2011 से लेकर के 2024 तक, और साथ में आपके पास अगर समय बचता है, ठीक है, तो आपको तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। एसएसटी के लिए आपको 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। अगर ये आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप किसी भी एप्लीकेशन एनसीईआरटी 6 to 8 बुक का एप्लीकेशन कर डाउनलोड करें, उसमें आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए, अगर आपने 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया तो आप जो है 45+ स्कोर तो कर ही लेंगे एसएसटी में, सिर्फ एसएसटी में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या सीरीज बता रहे हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर होने वाले हैं। ठीक है, और भी किसी भी स्टूडेंट कहीं प्रॉब्लम हो रही है या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान सुनेगा, आज की क्लास में जो है हम जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आज की क्लास में हम 1 to 30 क्वेश्चन है 1 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से करेंगे ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और पेपर में आपको 31 नंबर से ही आपको एसएसटी शुरू होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि भीम बेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ये बहुत बार में जब हमने पहला चैप्टर एनसीईआरटी के सिक्स क्लास का हमने करवा रहा था, तो उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक था भीम बेटका। ठीक है, तो कहता है भीम बेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन है, तो हम आपको बता दें, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर तो पता होगा, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध जो पूरा स्थल एवं विश्व धरोहर स्थल जो भीम बेटका क्या है, शैलाश्रय है, और ये भीम बेटका जो है ये आपके कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और भीम बेटका जो है पाषाण युग की गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीम बेटका जो है पाषाण युग के गुफा और चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करनी, आपको ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। इसको कहता है कि इनके काल के अनुसार इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, पहले सबसे पहले आपके कौन सा है, इसमें गुप्त वंश सबसे पहले आपके आ जाएंगे, श्रीगुप्त आ जाएंगे, ये पहला हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे
या फिर इस तरीके समझ सकते हैं कि श्री गुप्त का जो शासन का रहा था वो 240 से लेकर के 280 ईस्वी रहा था, ठीक है। और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का जो था वो 319 से 334 था, और समुद्रगुप्त का जो था वो आपका कितना था, समुद्रगुप्त का था आपका 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन का रहा था वो 380 से शुरू होता है और 412 तक रहा, और स्कंदगुप्त का जो शासन का रहा था वो आपका 455 से शुरू होकर के जो है 467 ईस्वी तक रहा था। अब क्रम इसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले आपके हो जाएंगे, पहले हो जाएगा पहला, फिर उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा दूसरा, और लास्ट में हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन आप मिलाएंगे पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, कहता अभिकथन एक कथा ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। अभिकथन ए कहता है कि अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी, ठीक है। और कारण आर कहता है कि गजनी का सुल्तान महमूद जो है वह अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। सही विकल्प आपको पूछा हुआ है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है ए का कारण आर है, ठीक है। और यही बात है यहाँ पर, ये कारण इसका नहीं है, चार ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ध्यान समझिएगा कि गजनी के जो सुल्तान महमूद जो था वह 1997 ईस्वी से जो है या फिर 1030 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। वह उन लोगों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखता था जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। ये बात यानी कि अलरुनी ने की, ये कारण आर देखिएगा ये सही हो जाएगा। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहते थे, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये तो सही हो गया। अब अभिकथन ये भी हम लोग देख लेते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। अल बरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का विवरण लिखने के लिए काम सौंपा गया था, किसको, अल बरूनी को। तो वह किताब जो लिखा, वो जो किताब लिखा था अल बरूनी ने, किताब जो लिखा वो अल हिंद किताब लिखा था, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये जो था वो अरबी, ठीक है, अरबी में लिखी गई थी। तो ये दोनों कथन सही और इसका कारण भी है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, ध्यान समझते चलिएगा। अगला कहता है कि पिश्चतक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। यानी पिश्चतक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चार ऑप्शन कहता है, 40 खंभों का ए सभा भवन, मेहराबदार प्रवेश द्वार, या 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, या आयताकार अहते, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ध्यान सुनिएगा कि यह पिश्चतक का क्या है जो मुगल वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेहराबदार प्रवेश द्वार। यानी कि अकबर के शासनकाल के दौरान मकबरे की वास्तुकला क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो उनके शासनकाल में केंद्रीय विशाल गुंबद और उसके साथ साथ लंबे प्रवेश द्वार, लंबे प्रवेश द्वार को ही क्या कहा जाता है, पिश्चतक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लंबे प्रवेश द्वार, लंबे प्रवेश द्वार, जिसको कहा जाता है पिश्चतक, ठीक है। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू थे जो सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में दिखाई देते थे, ठीक है। ये क्या थे, एक क्या थे, प्रवेश द्वार थे, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा क्रम में लगाइए, ठीक है। कहता है निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही यानी उल्टे क्रम में आपको लगाना है। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था की उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान और बौद्ध धर्म का उदय। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हमें लगानी है, ठीक है। अब के क्रम में अगर लगाना है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, बौद्ध धर्म का उदय होगा, फिर उसके उससे पुराना कौन सा होगा, वर्ण व्यवस्था का उत्थान, और सबसे एकदम पुराना क्या होता है, ऋग्वेद की रचना। इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि आपका
पहला हो जाएगा सी, दूसरा का आपका हो जाएगा आपका डी, तीसरा का आपका बी हो जाएगा, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी बी ए, सी डी बी यानी आपका चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम ऐतिहासिक यहाँ पर काल हम आपको बता देते, मौर्य साम्राज्य का जो उत्थान का यहाँ पर काल दिखाया गया है, वो आपका उदय जो हुआ था मौर्य साम्राज्य, वह 300 ईसा पूर्व हुआ था। कितना? 300 ईसा पूर्व। ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो कितना हुआ था? 600 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और इसके बाद वर्ण व्यवसाय जो था वो 1000 ईसा पूर्व, और ये तारीख वेद की रचना आपको पता है कितना? 1500 ईसा पूर्व। तो आप कवर क्रम में आप दिखा सकते, अब के काल से दिखाने उल्टा क्रम में दिखाना था, तो आपका सी डी बी ए हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कथन ए तथा कथन बी को पढ़े तथा सही विकल्प को आपको चूज करना है। कहता है कथन ए, करीब 25 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी है। ये आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बी कथन कहता है कि लगभग 25 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। अब कहता है क्या बोला वो क्वेश्चन, कहता है इनमें से सही ए तथा बी में से जो सही विकल्प है उसको आपको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहता है ये जो पहला कहा है कि करीब 25 वर्ष, ठीक है, कहता है करीब 25 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ, ये पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी का ही है, हमने पढ़ा हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी बात इसका सही, लगभग 25 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? तो हाँ, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए तथा बी में संबंध है। ठीक है, व्याख्या नहीं, संबंध बोला हुआ, तो एक दूसरे में संबंध है, क्योंकि जब ये पूरा विकसित हुआ, ये उपयोगी हुआ, तो ये इसके साथ साथ बहुत सारे अनेक शहर भी क्या हुआ है, साथ में विकसित हुए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ आपको मिलान करना है। चोल शासक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो आइए सही मिलान करते हैं। तो कहता है यहाँ पर वेल्लन गवाई, ठीक है, इसका सही रख रखा किससे हो जाएगा, गैर ब्राह्मण, इसका संबंध जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि से इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका ब्रह्मदेह है, ठीक है, तो यह हो जाए ब्रह्मदेह यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मदेह से हो जाएगा। और शाला भोग, शाला भोग जो वह किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, ठीक है, तो किसी विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए भूमि यानी कि आपका दूसरा हो जाएगा। और लास्ट बचा आपका देवदान, इसका अर्थ हो जाएगा आपका देवदान का कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। इस तरीके से आपका जो सूची, आपका ऑप्शन सही होगा, वो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प को आपको चूज करना है। अभिकथन ए कहता है कि 1765 के बाद जो है बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। ठीक है, आगे कहता कि 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ये पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट कर सकता है। तो हमने क्वेश्चन लेने का मतलब यही है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम बताते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कई बार घुमा फिरा करके बने हुए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका क्या है भाई, सही है। अब चलिए कारण आर की तरफ बढ़ते हैं। कारण आर कहता है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। कहता ए और आर दोनों सही है, आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही, तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट सही है, ये आर जो ये दोनों सही, आर जो है एक का सही सही बिल्कुल व्याख्या करता है, पूरा स्टेटमेंट एक ही चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित
करवाने में किसका योगदान था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार रखिएगा। कहता है कि 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था, किसका योगदान था, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योति राव फूले या स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो आपको हम बता दें इसमें राजा राम मोहन राय, सजानंद स्वामी और विलियम कैरी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, ने सती प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान शुरू किया था, ये नाम याद रखिएगा। तो इसमें राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिया है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में बड़ा योगदान दिया था। और राम मोहन राय ने अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में विधवा को जलाने की कोई मंजूरी नहीं थी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सन 1829 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती नियम लागू किया और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। तो ये क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटी ने पूछा हुआ है, क्वेश्चन है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को आपको चूज करना है। चलिए देखते हैं भाई, अभिकथन ये कहता है कि 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए तीन आंदोलन चलाए, क्या बात ये सही है, ठीक है। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तीन आंदोलन इन्होंने चलाए थे। कारण आर कहता है कि अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। तो इसे 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया। इस मंदिर प्रवेश आंदोलन में महान जाति के लोगों की भागीदारी देखी गई, ठीक है। 1927 से 1935 के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीन मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य समाज के भीतर सभी को जातिगत पूर्वाग्रहों को क्या करना था, मिटाना था, न कि अंग्रेजी शासन का जो है शक्ति दिखाना था। ये बात बिल्कुल गलत है और ये वाला बात बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो अभिकथन ये सही है, कारण आर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभिकथन ये सही है लेकिन आर गलत है, आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करें, ठीक है। कहता है निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करना, सूची फर्स्ट आपके सामने, सूची सेकेंड आपके सामने है, ठीक है, आइए मिला लेते हैं भाई। कहता मटुगा पंत किससे संबंधित है, तो हरिदास ठाकुर से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे से, ठीक है। सत्य शोधक समाज ये हो जाएगा ज्योति राव गोविंद राव फूले से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य शोधक समाज आपका किससे हो जाएगा, आपका ज्योति राव फूले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे से संबंध हो गया। आर्य समाज जो आर्य समाज का संबंध किससे था, स्वामी दयानंद सरस्वती से, ये चौथा हो जाएगा। और ब्रह्म समाज जो था संबंधित वो किससे संबंधित था, राजा राम मोहन राय से संबंधित है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर सूची मिला लीजिएगा, यानी कि दोस्तों ए का, ठीक है, ए का कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का आपका चौथा, डी का शायद ये चौथा ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 42 का कि राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को आपको क्या कर चूज करना है। चलिए कथन पढ़ते हैं हम लोग। कहता है ये कथन कहता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो और बी कथन कहता है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अतिशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। चलिए देखते हैं कथन ए की बात करें तो ध्यान सुने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्टेवियन ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। और इसमें जो प्रारंभिक नेतृत्व में जो आए थे नेता उसमें दादा भाई नौराजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और यहाँ पर बनर्जी थे, और साथ में आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश दत्त चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्य अय्यर, अन्य लोग बड़े पैमाने पर बॉम्बे व
कलकत्ता के थे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ये सही है किंतु आर क्या है, गलत है, ठीक है। तो अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता जो था ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं था। ये कि जिनका नाम हमने लिया ये सभी बड़े पैमाने के नेता थे और ये बड़े पैमाने पर बॉम्बे और कलकत्ता से थे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका 43 नंबर क्वेश्चन फिर है कि अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प को आपको चूज करना। अभिकथन ए कहता है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है। ये जो अभिकथन, ये घटना उस समय की है कि मई 1857 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर विद्रोह का जो है सामना करना पड़ा था। कई स्थानों पर मेरठ से सिपाहियों का विद्रोह शुरू हुआ एवं बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग विद्रोह में उठ खड़े हुए थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि भारत में सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है, भारतीय सेना का अनुपात कम किया जाएगा और यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या करे की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। इसलिए अभी कथन क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। कारण आर कहता है कि मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोहियों तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। अभी जैसे हमने पूरा बता दिया, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है आपका, सही है, ठीक है। तो कहता है कि ए सही, ये तो नहीं होगा, दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही, किंतु ए जो है का कारण आर है। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि राज्यों के संगठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। आइए देखते हैं। अभिकथन ए कहता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति की विरोधी थे, ठीक है। कहता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण आर कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए, ठीक है। ये दोनों अभिकथन आपको यहाँ पर देख लेना है, कौन सा इसमें अभिकथन आपका क्या है, सही है और कारण आर, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं, तो बात करते हैं, तो कहता है कि प्रधानमंत्री नेहरू एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों भाषाई राज्यों के निर्माण के क्या थे, बिल्कुल खिलाफ थे, यानी कि उसके विरोधी थे। तो ये बात बिल्कुल अभिकथन ये आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि देश अभी भी विभाजन से उभर रहा था, उन्हें डर था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण से समाज का विभाजन हो सकता है और देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए जो थे वो भाषा के आधार पर राज्यों की गठन नीति के क्या थे, एकदम बिल्कुल विपरीत थे, उनके विरोधी थे, ठीक है। कारण आर में कहता है कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1956 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 56 में अपनी रिपोर्ट में क्रमशः असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के एकीकृत प्रांत बनने के लिए जिला एवं प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की गई। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये दोनों बात क्या है भाई आपकी, सत्य है, ठीक है। बात करते हैं, तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तो अगर हम बात करें तो इनमें कोई संबंध नहीं, लेकिन बात ये दोनों क्या है, सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है किसकी, ए की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जरूर अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्लास जो है रोजाना आपको शाम को 7 बजे मिलेगा और क्वेश्चन इसमें वही होगा जो आपको सीटेट में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 45 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि आसमान में विभिन्न खगोली पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, ठीक है।
अब ये आपका क्वेश्चन आ गया आपके जियोग्राफी से, ठीक है। चलिए देखते हैं, कहते हैं आसमान विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही हो, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। चार ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। कहता ए कहता है कथन कि हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर है, क्या बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते, कहता अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल सात तारों का समूह है जिसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। ये हमने आपको एनसीईआरटी जो पढ़ाया था सौर मंडल में पृथ्वी, उसे पूरा बात लिखा हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अलग अलग दिख, चंद्रमा अपनी कक्षा में अलग अलग समय में अलग अलग दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसके वाले में, सी वाले में अगर थोड़ा सा हम बात कर लें, तो ये जो ध्रुव तारा होता है जिसको उत्तर का सितारा भी कहते हैं, ठीक है, ध्रुव तारा, ठीक है, हमेशा आकाश में एक ही स्थिति पर क्या करता है, रहता है, वो अपना स्थान नहीं बदलता, इसलिए ऑप्शन ए का होगा गलत होगा। तो ए बी डी यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सही विकल्प का चुनाव करना, तो ए बी और डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर कहता है ग्लोब के विषय में, ग्लोब के विषय से कौन में कथन सही है, यानी कहता है ग्लोब के विषय में कौन सा कथन इसमें सही है, कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ये देखिएगा, ये जो पॉइंट था तो ये तो एक इंपॉर्टेंट है ही है, इससे क्वेश्चन आपके बनता है सौरमंडल में पृथ्वी, एक या दो क्वेश्चन मिलता है, इस बार भी पूछा गया था दो क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है पेपर में, घुमा फिरा करके बार बार आता है ग्लोब से, इस बार भी ग्लोब से दो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही आइए देखते हैं। कथा है ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल लघु प्रतिरूप है, बिल्कुल बात सही है, एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ग्लोब जो है पृथ्वी का सही मॉडल है और उसका लघु प्रतिरूप है, छोटा रूप है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्या है आपका सत्य है, ठीक है। तो ग्लोब के विषय में कौन कौन से कथन सही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, ये बात सही है। आगे ग्लोब का ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते, बात बिल्कुल ये भी सही, ये भी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ग्लोब पर देश महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, और डी कहता है यहाँ पर सही दिखाए ग्लोब उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यह स्थिर और न घूमने वाला है, हाँ ये स्थिर तो होता है लेकिन यह घूमता भी है, ठीक है। घूमता कैसे, जैसे कि कुम्हार का वो पहिया नहीं घुमाया जाता, उस तरीके से क्या करता है, घूमता है, तो बात बिल्कुल गलत हो गया। आपका सही कौन कौन सा होगा, ए बी और सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ए बी और सी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए है। कहता निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए, ठीक है। ताप कटिबंध, कहता निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान आपको यहाँ पर करना है, आइए देखते हैं। कहता दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है शीत कटिबंध उसे कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध या उत्तर दक्षिण ध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा कि ये सभी अगर कंडीशन होगा, ठीक है, यानी कि दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, इन सभी का खूबिया किसमें होता है, ये होता है आपका शीतोष्ण कटिबंध, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में, ठीक है, ये कहता है भारत के ग्रीनविच के पूर्व में 82° 32' पूर्व स्थित है। कहता है भारत का मानक समय IST क्या होगा यदि ग्रीनविच का माध्य समय कितना होगा 1 बजे अपराह्न है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बात क्या होगा, ग्रीनविच को माना हुआ है, तो ग्रीनविच से भारत का जो समय होता है वो 5.5 घंटा क्या होता है ज़्यादा होता है, अधिक होता है, यानी कि ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं हम पहले बसता है,
यानी कि अगर वहाँ पर एक अब्राहम होगा इसमें 5.5 घंटा जोड़ दीजिएगा, तो 5 1 बजा हुआ तो 5 1 6 और ये हो जाएगा 6:30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6:30 अब्राहम हो जाएगा, जो शाम वाला 6:30 बजे वही होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है याद रखिएगा। आगे कहता किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़ देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं, वो किस काष्ठ वाले वृक्ष जैसे कि इतना किसमें किस प्रकार वाले वन में ये सब पैदा होते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है आइए देखते हैं। तो कहता है शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अंशांशों जैसे हिमालय में पाए जाते हैं, इन्हें टैगा के नाम से भी क्या किया जाता है जाना जाता है, ठीक है। उनके पास चीड़ एवं देवदार जैसे नरम लकड़ी के सदाबहार पेड़ हैं जिनका उपयोग कागज एवं बॉक्स बनाने वाले उद्योग के लिए लुगदी बनाने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शंकुधारी वन के अंतर्गत ये सभी आएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभी कथन ए कहता है कि भूमि की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं, कहता है भूमि की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से क्या है संबंधित है, क्या बात सही, तो हाँ बिल्कुल बात ये सही है। तो हम कह सकते हैं कि भूमि की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताओं के बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है जिससे प्राकृतिक वनस्पति भी क्या कर देती है बदल जाती है, तो ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो गया। अब बात कर लेते हैं कारण आर, कहता वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती, क्या बात सही, तो बात बिल्कुल ये भी सही है, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है, यह ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर भी क्या करती है निर्भर भी करती है, यानी कि इसके मोटाई पर भी निर्भर करती है, इसके ढलान पर भी निर्भर करती है, साथ में वनस्पति की वृद्धि जो है तापमान एवं नमी पर भी क्या करती है निर्भर करती है, साथ साथ उसकी मोटाई पर भी निर्भर, उसके ढाल एवं मिट्टी की मोटाई परत मिट्टी की परत की मोटाई पर भी निर्भर करती है, ये भी बात आपका क्या हो गया सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ए करता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि महासागरी सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प को आपको चयन करना है, महासागरी सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प को आपको चयन यहां पर करना है। चलिए देखते हैं, कहता है शीत महासागरी धाराएं, ठीक है शीत महासागरी धाराएं इसका सही मिलान करना है, तो जो शीत महासागरी धाराएं वो ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन मिला सकते हैं यहाँ पर कि ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि दोस्तों पहला का आपका क्या हो जाएगा आपका पहला का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं ज्वारभाटा तो ज्वारभाटा नियमितता दिन में 2 बार आता है, ये तो आपको पता है बचपन में, ठीक है 2 बार आता है, महासागरी जल का उठना एवं गिरना जिसको हम लोग ज्वारभाटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिन में 2 बार नियमन से महासागरी जल का उठना और गिरना, ये आपका हो जाएगा, यानी कि बी का हो गया आपका दूसरा। बात कर सी है आपका तरंगे, इसका सही मिलान होगा, तो तरंगे जो होगा वह महासागरी सतह पर एकांतर नियम से जल राशि का उतार चढ़ाव है, ठीक है, यानी कि ये हो गया महासागरी सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना, ठीक है ये हो गया आपका पहला। इसके दोस्तों गर्म महासागरी धाराएं जो कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, हो गया आपका तीसरा हो गया, ठीक है। तो आप मिला सकते हैं, तो ये हो जाए ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है सही विकल्प आपको चुनना है, कहता है मानसून पवन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, किसी न किसी तरीके से घुमाकर पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता आपको तैयार करना है, ठीक है। सही विकल्प चूज करें, कहना मानसून पवन हैं ग्रही पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन या स्थानीय पवन, ठीक है। तो ध्यान से मानसून पवने क्या होगी आपकी, मौसमी पवने कहलाती है, ये परिभाषा आपने सुना होगा,
इसलिए दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानसून पवनों की दिशा से जुड़ी जलवायु में मौसमी उलटफेर साफ दिखता है। ठीक है, तो अधिकांश उष्णकटिबंध में मानसून आर्द्र व शुष्क मौसम का कारण बनती है। तो मानसून अक्सर हिंद महासागर से क्या करता है, उड़ता है। तो सही विकल्प है कि मानसून पवनें जो है मौसमी पवनें कहलाती हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने अलग से एक वीडियो में हमने इसको वायुमंडल की परत के बारे में विस्तार में हमने आपको पढ़ाया हुआ है और उस पर हमने क्वेश्चन भी कराया था। तो ये क्वेश्चन भी शायद हमने उसमें कराया था। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल यानी हमने आपको बताया था बहिर्मंडल सबसे ऊपर वाला मंडल को, एकदम सबसे बाहरी वाला मंडल को हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, एकदम सबसे बाहर वाले मंडल को। तो बहिर्मंडल में ये मिलाइए, इस परत में ओजोन गैस है, ये सबसे नीचे वाली, ये सबसे ऊपर की परत है। तो बहिर्मंडल क्या है, आपकी सबसे ऊपर वाली परत है, यानी कि पहला का आपका हो गया, आपका तीसरा हो गया। ठीक है, इसे दूसरा आ जाता है क्षोभ मंडल। तो हमने आपको बताया सबसे निचली परत होती है जिसमें क्या होते हैं, इंसान जीव क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। ये आप ये क्या है, सबसे नीचे की परत है, यानी कि बी का आपका हो गया आपका तीसरा। ठीक है, बहिर्मंडल आपका क्या सबसे ऊपर वाली परत होगी, ये ध्यान में रखिएगा। और क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत हो गई, समताप मंडल। ठीक है, इन समान ताप मंडल यानी बीच वाला मंडल समताप। तो ये हो गया आपका कौन सा भाई, इस परत में ओजोन, इस परत में क्या होगा समताप मंडल में या मध्य मंडल में, इस परत में ओजोन गैस है। तो ये हो गया आपका चौथी का, आपका क्या हो गया, आपका चौथा हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ओजोन परत है और साथ में आपका क्या, इसी में क्या होते हैं आपके जहाजें भी उड़ती हैं। ठीक है, और इसका बाह्य मंडल, ये हो गया आपका बाह्य मंडल, इसमें रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होती है। ये हो गया आपका पहला। अब आपको मिलान करना है तो आप मिलान कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षेत्र एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, यहां पशुओं दिया हुआ है। ठीक है, पशुओं का सुमेल करना है। चलिए, कहता एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत का जो संबंध होगा वो किससे होगा, लामास होगा, यानी कि ठीक है लामास होगा। और तिब्बत का किससे संबंध हो जाएगा, याक से हो जाएगा। और भारतीय मरुस्थल का संबंध ऊंट और किससे हो जाएगा, बैल से हो जाएगा। भारतीय पहाड़ का जो होगा वो किससे होगा, खच्चर और गधे से होगा। बाकी यहाँ पर मिला लीजिएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब मिला लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा ए बी सी और डी, ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, उस तरीके से आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन कहता है दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प आपको बिल्कुल चयन करना। अभी कथन ये कहता है कि एक जलवायु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, क्या बात सही है, तो हाँ बिल्कुल बात ये सही है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से इस बार 2024 में पूछा था, लमसम इसी तरीके से ही क्वेश्चन आपसे पूछा था, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस घुमा दिया था। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे मिलेगा। एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल सा मिलेगा आपको, बस सिर्फ अपने माइंड के सोच से आपको आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए, कहता उपयोगिता तथा प्रयोज्यता वह विचार जो कि किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है, एक संसाधन वह विषय वस्तु है जिसका उपयोग किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या होता है, किया जा सकता है और इसका मूल्य भी हो सकता है। ठीक है, करार कहता है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ध्यान सुनिएगा, कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है, कुछ का नहीं। उदाहरण के तौर पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि धातु का आर्थिक मूल्य हो सकता है, एक सुंदर परिदृश्य का ऐसा नहीं होता है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है और मानवीय जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सत्य है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए की, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों पर जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं।
यानी कि हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों पर जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षार्थी एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण करके या उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना या प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना या फिर राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। अब सही विकल्प आपको यहाँ चूज करना कौन कौन सा सही होगा। तो देखिए कूड़ा कचरा वाला तो आप पहले ही काट देंगे, ठीक है, कूड़ा कचरा वाला आप तो बिल्कुल काट देंगे, बी आपसे तो आपका हो गया है गलत। शिक्षार्थियों समुदाय सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण करके प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। बी को छोड़ करके जो है बाकी सब सही है, ए सी और डी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन आपको करना है, ठीक है। तो कहता है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्च बनाना, सी है आपका समुच्च रेखीय रोधिकाएं और डी है आपका रक्षक मेखलाएं। सही विकल्प आपको यहां पर चयन करना है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में सही इसमें क्या निम्नलिखित को पढ़े था मिट्टी के संरक्षण के लिए, किसके लिए, मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का आपको चयन करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो पहला हो गया आपका यहां पर कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। अगर बात करते हैं कि मिट्टी के संरक्षण के सही पद्धति का हमें चयन करना है तो उसमें रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग नहीं करेंगे, तो पहला हो गया आपका कैंसिल। मल्च बनाना, ठीक है, क्या हो मल्च या मेल्चिंग बनाना, ठीक है। तो मेल्चिंग या मल्च बनाना क्या होता है, ये होता है पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत पौधों के बीच की खाली जमीन को ढक लेती है और मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करती है। मल्च बनाना आप अगर गांव में रहे होंगे, जैसे कि टमाटर की खेती होती, किसकी, टमाटर की खेती होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि टमाटर जब फल लेता है, पकना शुरू होता है, तो टमाटर सड़े ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है पुआल को क्या किया जाता है, बिछा दिया जाता है जमीन नीचे। उससे दो फायदा होता है, एक तो फल आपको सड़ेगा नहीं, दूसरा होता है कुआ क्या करेगा मिट्टी को नमी बनाए रखती है, जिसको हम लोग मल्च बनाए मिल्चिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये क्या करेगा मिट्टी को क्या करेगी, संरक्षित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका समोच्च रेखीय रोधिकाएं, ये होती है कि कंटूर के साथ बैरियर बनाने के लिए पत्थरों घास मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बैरियर के सामने पानी इकट्ठा करने के लिए खाई बनाई जाती है, तो ये भी आपका संरक्षक में ही आएगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। डी कहता है रक्षक मेखलाएं, तो रक्षक मेखलाएं जो होती है तटीय शुष्क क्षेत्रों में हवा के मार्ग को ट्रैक करने और मिट्टी के आवरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ों की पत्तियों की खेती की जाती है, तो ये भी देख सकते हैं मिट्टी के संरक्षण के लिए ही ये भी होती है। तो बी सी डी तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये पृथ्वी के संरक्षण करने में मदद करती है। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प आपको क्या करना है, चयन करना है। कथन ए कहता है कि भारत में यथेष्ट यानी कि बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है, भारत में बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, क्या बात सही है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। कथन बी कहता है कि विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेषित करती है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इन सांस्कृतिक विविधता का अर्थ हो विभिन्न संस्कृतियों एवं मानकों वाले समूहों और समुदायों के अस्तित्व से है, ठीक है, और भारत एक विविधता पूर्ण देश है क्योंकि यहाँ कई समूह एवं समुदाय बसते हैं जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समाहित करते हैं। तो ये कथन ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन कथन भी आपका गलत होगा। अब ऑप्शन आप यहाँ पर मिला सकते हैं, कथन ये सही है लेकिन आपका क्या है गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प आपको चयन करना है। कहता है लोगों को एक ही छवि में बांधना, ठीक है, ये आपके शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन है, लोगों को एक ही छवि बांधना, तो ये हो जाएगा आपका रूढ़िबद्ध धारणा यानी स्टीरियोटाइप हो जाएगा, यानी एक आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, यानी अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से
आकना करना ये पूर्वाग्रह, यानी पहले से हम पहले से मान चुके हैं पूर्वाग्रह, इसका हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, इसके बाद किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा समुचित रूप से व्यवहार करना, ये हो जाता है आपका भेदभाव, यह सी का आपका हो जाएगा चौथा भेदभाव हो जाएगा। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, ये हो जाएगा आपका अपदृश्यता, यानी कि आपका ये हो जाएगा दूसरा अपदृश्य या छुआछूत मानेंगे, ये हो जाएगा आपका दूसरा। आप मिला लीजिएगा तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? थानेदार होता है, खंड विकास अधिकारी होता है, पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिला अधिकारी होता है। ठीक है, तो आप गांव में हैं तो आपको पता होगा कि गांव की जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का जो उत्तरदायित्व होता है किस पर होता है? आपके लेखपाल पर, यानी कि पटवारी, लेखपाल पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कानीगो। ठीक है, तो ये होगा आपका पटवारी ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, इनको होता है, इनका उत्तरदायी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका हो जाता है सही। इस तरीके से हमने आज की क्लास में 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका जो 30 क्वेश्चन बचा है उसको हम क्लियर करेंगे ताकि आपको समझ में आए, और आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी से संबंधित, इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और हाँ, SST के लिए जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी के लिए एक ही है कि आप SST में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो 6 to 8 NCERT को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ करके कवर करिएगा। बाकी आपको आँख मूंद कर PYQ ही लगानी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें नहीं करना है। आप देखेंगे आप इसमें बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास चलते चलते समाप्त करते करते एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पर पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी के द्वारा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। क्लास का टाइम शाम को 7 बजे का है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो जुड़ना आप सभी के लिए अनिवार्य ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।